हेलो दोस्तों दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि आप पबजी गेम के ऊपर, ये जो गेम आजकल काफ़ी फैला हुआ है, इसकी जो एडिक्शन हो गई है बच्चों को, लोगों को, ये एडिक्शन कैसे ब्रेक करें, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, ये गेम का एडिक्शन समझने के लिए मैंने खुद ये गेम को ट्राई किया। ये गेम मैंने डाउनलोड किया और इसको मैं खेल रहा हूँ काफ़ी समय से, क्योंकि मैं ये खुद समझना चाहता था कि ये गेम किस तरीके से लोगों को अपने कब्ज़े में लेता है, ऐसा क्या होता है ये गेम में, ऐसा कौन सा एडिक्शन है कि लोग इसके दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं। बच्चे पूरा टाइम सात सात आठ आठ घंटा पबजी खेल रहे हैं, लोग अपना ऑफिस आवर्स छोड़ के पबजी खेल रहे हैं, दिन हो या रात हो लोग पबजी के साथ ही जुड़े हैं, तो ऐसा होता क्या है। तो दोस्तों मैं कुछ समय से ये गेम खेल रहा हूँ और ये जब गेम मैंने डाउनलोड किया उसके बाद जब मैंने खेलना चालू किया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये गेम करता क्या है और किस तरीके से आप पे हावी हो जाता है और एक एडिक्शन का रूप ले लेता है। दोस्तों ये गेम और इसकी एडिक्शन किस तरीके से तोड़ना है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ही सिंपल टिप्स के साथ मैं आया हूँ। मैं आपको कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, ना ही मैं आपको बहुत सारी 10-15 टिप्स बताने वाला हूँ, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है इस बार। एक सिंपल बात है दोस्तों, बात यह है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जैसे कि मेरे एक हाथ में एक 20 का नोट है और मेरे दूसरे हाथ में एक 2000 का नोट है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप ये दोनों नोटों में से एक नोट आप सेलेक्ट कीजिए और वो आप उठा लीजिए और वो नोट आपका हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करोगे, आप जो 2000 का नोट है मेरे हाथ में उसको उठाओगे, आप 20 का नोट जो है वो छोड़ दोगे। आप ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, 20 का जो नोट है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो 2000 का जो नोट है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है ना। तो दोस्तों आज के तारीख में हो क्या रहा है, आप हर एक चीज़ को छोड़ के पबजी खेल रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो, आप पबजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पबजी सबसे पहले आता है और बाकी सब चीज़ें जो आती हैं वो बाद में आती हैं। तो दोस्तों ये एग्जांपल से मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो जो 2000 का नोट है जो आपने पहले उठाया और 20 का नोट को आपने छोड़ दिया, वो 2000 का नोट है आपकी फैमिली, वो 2000 का नोट है आपकी स्टडीज़, आपका करियर। और जो नौजवान लोग पबजी आजकल ज़्यादा पागलों की तरफ खेल रहे हैं अपनी फैमिली को इग्नोर करके, तो उनके लिए ये 2000 का नोट है उनके बीबी और उनके बच्चे, ठीक है, और पबजी है आपका वो 20 का नोट। तो आप ही बताइए वैल्यू किसकी ज़्यादा है, उस 2000 की नोट की ज़्यादा वैल्यू है, उस 20 की नोट की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप वो 20 के नोट को उठा रहे हो, आप पबजी को उठा रहे हो और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। अगर दोस्तों मैं किसी एक आदमी को ऑप्शन देता हूँ कि भैया ये 20 का नोट है और ये 2000 का नोट है, दोनों में से एक ले लो, वो आदमी 20 रुपये उठाता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे पागल, आप उसके ऊपर हंसोगे, उसका मजाक उड़ाओगे। लेकिन दोस्तों हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ही काम आप भी कर रहे हो, आप जो ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपकी स्टडीज़, ये सब चीज़ों को छोड़कर आप वो पबजी गेम जिसकी वैल्यू 20 रुपया है उसको आप उठा रहे हो बाकी चीज़ों को इग्नोर करके। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात जब आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आप पबजी गेम दूसरी बार कभी खेलोगे नहीं, कभी डाउनलोड नहीं करोगे। ये वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।